हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। और आज आपके लिए यूएचएस एमडीकेट पास पेपर्स केमिस्ट्री के पास पेपर लाए हैं। और चैप्टर जो मैंने चूज़ किया है वो है चैप्टर नंबर 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं आपके लिए। आपके लिए एक नोटिफिकेशन ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं रोज़ बना रहा हूँ। टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दी वॉल्यूम ऑक्योपाइड बाई 1.4 ग्राम ऑफ CO एट STP इज। आपको बताना है कि 1.4 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कितना वॉल्यूम ऑक्योपाई करती है। ऑप्शन ए है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ऑप्शन बीटा है 2.24 डेसीमीटर क्यूब, ऑप्शन चार्ली है 1.12 डेसीमीटर क्यूब, ऑप्शन डेल्टा है 112 डेसीमीटर क्यूब। आपको अपना आंसर लॉक कर लेना है, फिर मैं आपको आंसर विद एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो आपने अपना आंसर लॉक कर लिया, आप अपना आंसर लॉक कर लिया करें, क्योंकि इससे आपकी पहले प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपको जब मैं बताऊंगा तो फिर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। इसका आंसर है 1.12 डेसीमीटर क्यूब। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वंस। और ये कैसे आया, इसके डिटेल्ड सॉल्यूशंस की तरफ आपको लेके चलता हूँ। देखिए, फार्मूला आपने लगाना है वॉल्यूम एट STP। वॉल्यूम एट STP का मतलब है, इसका फार्मूला है मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर वॉल्यूम है 28। आपने 1.4 को 28 से मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ मोलर वॉल्यूम, जो कि आप जानते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.12 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर एक बच्चे कन्फ्यूजन ये करते हैं कि वो समझते हैं कि शायद STP पर कुछ भी मास हो तो वॉल्यूम 22.414 होगा, जो कि ये बात सही नहीं है। अगर आपके पास मास गिवन है तो आप कैलकुलेट करेंगे, 22.414 एक आइडियल गैस का होता है वॉल्यूम STP पर। आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपने इस कन्फ्यूजन का शिकार नहीं हो जाना। चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ। नेक्स्ट MCQ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मास स्पेक्ट्रोमीट्री इज़ यूज टू डिटरमाइन दी। आपको बताना है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री से क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। अल्फा ऑप्शन इज नंबर ऑफ आइसोटोप, बीटा ऑप्शन इज रिलेटिव मासेस ऑफ आइसोटोप, चार्ली ऑप्शन इज रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, डेल्टा ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। पहले आपको प्रैक्टिस के साथ अपना आंसर लॉक कर लेना है, फिर आपको मेरा आंसर सुना है तो आपने आंसर लॉक कर लिया। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। मास स्पेक्ट्रोमेट्री मोस्ट कॉमन बात यह है कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स को डिटरमाइन करता है, मगर आपको ये याद रखना है कि आप मास स्पेक्ट्रोमीट्री के थ्रू नंबर ऑफ आइसोटोप, रिलेटिव मासेस ऑफ आइसोटोप और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, इन तीनों चीज़ों को डिटरमाइन कर सकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन विल बी डेल्टा। आपने इसे बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं करना। अगर आपके पास मास स्पेक्ट्रोमीट्री है तो नंबर ऑफ आइसोटोप, रिलेटिव अबंडेंस और रिलेटिव मासेस, आप तीनों चीज़ें आइसोटोप्स की डिटरमाइन कर सकते हैं। डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट, ये भी UHS में 2 बार आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मोलैरिटी ऑफ 2% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन इज। आपको मोलैरिटी बतानी है 2% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन की। अल्फा ऑप्शन इज 2, बीटा ऑप्शन इज 0.25, चार्ली ऑप्शन इज 0.05, डेल्टा ऑप्शन इज 0.5। इसका हिंट भी मैंने दिया हुआ है। मोलैरिटी का फार्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1 बाय वॉल्यूम, और आपके पास वॉल्यूम होना चाहिए डेसीमीटर क्यूब में। ये मैं पहले कहूँगा कि आप खुद से ट्राई करें, फिर मैं इसका आपको आंसर बताऊँगा। एक और बात गाइज, ये है कि ये UHS के पेपर में ऐसे का ऐसा ही आया है, जबकि यहाँ पे मोलर मास आपको नहीं दिया हुआ, इसलिए मोलर मास भी आपको खुद ही याद रखना है। अगर आपको उसका मोलर मास NaOH का नहीं पता तो आपको बता देता हूँ, NaOH का मोलर मास है 40। आपने इसको खुद करना है, बहुत ही ईजी है। इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ, इसका आंसर है डेल्टा 0.5 मोलर है इसका, इसकी मोलैरिटी इस सॉल्यूशन की। मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे, और अगर आप इसको नहीं कर पाते तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आपसे ये नहीं हो पाता तो इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश करूँगा। वैसे काफ़ी ईजी है, मोलैरिटी का सिंपल सा फार्मूला है मास डिवाइड बाई मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम का इन्वर्स और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर लेंगे। मोलर वॉल्यूम आपको बता ही दिया है कि NaOH का मोलर मास जो है वो 40 है। इसके अलावा बहुत ईजी सा है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचती। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। नेक्स्ट MCQ इज़ आइसोटोप्स ऑफ पैलेडियम आर। पैलेडियम के आइसोटोप्स कितने हैं।
2, 4, 6 या 9। सो पहले आपको अपना आंसर लॉक कर लेना है वीडियो को पास करके, फिर आपने मेरा आंसर सुनना है। तो आपने अपना आंसर लॉक कर लिया, तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। आइसोटोप्स ऑफ पैलेडियम आर 4। पैलेडियम के 4 आइसोटोप्स हैं। सो गाइस, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक में नंबर ऑफ आइसोटोप्स दिए हुए चंद एलिमेंट्स के, और ये भी एमसीक्यूज यूएचएस में पूछे जाते हैं, इसलिए आपने उन सब आइसोटोप्स को भी अच्छे से याद करना है। आपको बता रहा हूँ कि यूएच में फर्स्ट चैप्टर से कैलकुलेशंस के अलावा ये रट्टा बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो आपने इन चीज़ों का रट्टा भी लगा लेना है। पैलेडियम के आइसोटोप्स हैं 4, इस तरह टिन कॉपर वगैरह के आइसोटोप्स भी वहाँ दिए हुए हैं, वहाँ से आपने याद करना है। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज इज नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ सिल्वर आर। आपको बताना है कि सिल्वर के नेचुरल आइसोटोप्स कितने हैं। अल्फा ऑप्शन इज 2, बीटा ऑप्शन इज 4, चार्ली ऑप्शन इज 16, डेल्टा ऑप्शन इज 47। आपको सिल्वर के नेचुरल आइसोटोप्स बताने हैं, टोटल आइसोटोप्स नहीं बताने। सो आपने अपना आंसर लॉक कर लिया। सो गाइज, नेचुरल आइसोटोप सिल्वर के जस्ट 2 हैं। आपने ध्यान रखना है कि नेचुरली सिल्वर के जस्ट 2 आइसोटोप्स हैं। अल्फा ऑप्शन इज द राइट वंस। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ विटामिन सी इज। आपने विटामिन सी का एम्पिरिकल फार्मूला बताना है। सो ये गाइस आपके एक छोटा सा न्यूमेरिकल है आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में, जहां पर काफ़ी डिटेल से विटामिन सी का एम्पिरिकल फार्मूला निकाला गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला इज़ अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला, यानी विटामिन सी का सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला क्या होगा। अल्फा ऑप्शन इज C3H4O3, बीटा ऑप्शन इज C3H6O3, चार्ली ऑप्शन इज C4H8O7, डेल्टा ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। सो ये भी MCQs UHS आई थिंक सो 2004 के पेपर में आ चुका है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो आप पहले इसका आंसर लॉक कर लें, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सो आपने इसका आंसर लॉक कर लिया, चलें, इसका करेक्ट आंसर है अल्फा ऑप्शन C3H4O3। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ विटामिन सी इज C3H4O3। और आपके जनरल नॉलेज के लिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि वहाँ पर विटामिन सी का एक और नाम भी लिखा हुआ है। सो विटामिन सी का दूसरा नाम आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, आपके कमेंट का मैं मुंतज़िर रहूँगा। सो विटामिन सी का एम्पिरिकल फार्मूला है C3H4O3, और दूसरा जो इसका नाम है वो मैं बताऊंगा नहीं, उसका भी एम्पिरिकल फार्मूला ये है, आपने याद रखना है, इसमें भी MCQs आ सकता है। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने ये छोटा छोटा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर आप चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपने चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। उससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।